हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई बार जो है हमारे पेटीएम वॉलेट में बहुत ही ज़्यादा पैसे, कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम मोबाइल रिचार्ज में कर नहीं सकते। तो ऐसे में हमें अपने बैंक अकाउंट में उन पैसों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो क्या था कि पेटीएम वॉलेट से जब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे तो इसके लिए हमें कुछ चार्ज भी देना पड़ता था। अभी मुझे याद है शायद 4% चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वर्तमान की स्थिति बताऊं आपको, तो अगर आप पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक भी पैसा चार्ज की देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप अपने पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस और हिस्ट्री पे क्लिक करना है और अभी जो है आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। आपका पेटीएम का जो बैलेंस है अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे अकाउंट में जो 3000 रुपये हैं और जो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि जो हमारे बैंक अकाउंट में जो है बैलेंस वो आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 30,600 कुछ रुपये यहाँ पर हैं और अभी ये 3000 रुपये हम पेटीएम वॉलेट से यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है पेटीएम बैलेंस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर पेटीएम वॉलेट के आगे ये यहाँ पर आपके पैसे दिखाई देंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर सेंड मनी टू बैंक इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको अमाउंट डालनी है कि आप कितने रुपए अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 3000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप जितने भी चाहें उतने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर अभी हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से पेटीएम में सेव है तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डिटेल नहीं डाल रखी हो तो आपको पहले यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा अकाउंट लिंक नहीं है तो हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दी है। अभी आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको अपने बैंक अकाउंट के नंबर एक बार फिर से यहाँ पर डालने पड़ेंगे, तो ये हम एक बार फिर से डाल देते हैं। ओके, एक बार फिर से हमने अपने बैंक अकाउंट के नंबर डाल दिए। अभी आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। अभी एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू ओपन हो गया है। यहाँ पर आप चार्ज देख सकते हैं कि एक भी रुपये आपका चार्ज नहीं लगेगा, आप जितने पैसे चाहें उतने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। आपका पेटीएम अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से है उस मोबाइल नंबर से आपके पास OTP आएगा। तो यहाँ पर OTP हम डाल देते हैं। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। अभी एक बार फिर से आपके पास एक और OTP आएगा, ये भी आपको डालना पड़ेगा। ये OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। अभी देखिए आपका जो पेटीएम वॉलेट से जो पैसे है वो बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बैलेंस जो है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैंक की तरफ से भी हमारे पास मैसेज आया था, अभी मैंने उसको जो है बंद कर दिया। अभी हम यहाँ पर अपने पेटीएम वॉलेट को रिप्रेस करते हैं फिर से। वॉलेट में आप पैसे देख सकते हैं सिर्फ 19 रुपये हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट का अगर हम बैलेंस चेक करें तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं, हमारा जो पेटीएम का वॉलेट है यहाँ पर 3000 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको कोई भी एक भी पैसा जो है आपका चार्ज का नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।